श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी रायपुर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है विवेक वर्मा और आज मैं प्रोग्रामिंग विद जी में ऑपरेटर की क्लासेस लेने जा रहा हूँ। तो ऑपरेटर का डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, फिर इसके बाद मैं एक एक करके सभी ऑपरेटर्स को समझाऊँगा कि कैसे यूज़ करते हैं हम अपने सी प्रोग्राम में। An operator is a symbol that tells compiler to perform a specific mathematical or logical function. C language is rich in built-in operators and provides the following types of operator: arithmetic operator, relational operator, logical operator, bitwise operator, assignment operator. इसके अलावा भी एक दो ऑपरेटर और हैं, वो मैं आगे बताते जाऊँगा, जैसे जैसे यूज़ में आएंगे मैं बताते जाऊँगा, डिस्कस करते जाऊँगा। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर को आप सभी जानते हैं, प्लस माइनस एस्ट्रिक डिवाइड मॉड्यूलस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, प्लस प्लस के लिए इंक्रीमेंट, माइनस माइनस के लिए डिक्रीमेंट, है ना। तो ऐड ऑफ टू ऑपरेटर्स, ये देखिए एडिशन यहाँ से होता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 30, है ना। तो इसमें सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए एक्स्ट्रिक यूज़ करते हैं, डिवीज़न के लिए स्लैश यूज़ करते हैं, मॉड्यूलस के लिए परसेंट यूज़ करते हैं। जैसे ए की वैल्यू को बढ़ानी है तो हमें क्या करना है, ए प्लस प्लस लिखना है। इसमें भी दो टाइप का होता है, एक प्री इंक्रीमेंट होता है, एक पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। वैसे ही प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट होता है ना, माइनस माइनस से डिक्रीमेंट ऑपरेटर हैं ये। तो ये सब क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं। अब आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशन को क्या करते हैं, वहाँ पे चेक करते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशन भी क्या है इसमें, वहाँ पे जब जैसे इफ के बाद कंडीशन चेक करते हैं तो हम रिलेशनल ऑपरेटर का ही यूज़ करते हैं। जैसे इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी, अगर ए और बी दो वेरिएबल है, दोनों इक्वल है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ए और बी इक्वल है नहीं है ये बता रहा है। अगर इक्वल हो गया तो कंडीशन फॉल्स हो गया, इक्वल नहीं है तो कंडीशन ट्रू हो गया। ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज लेस देन बी, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी, ये सब क्या है, जब हम कंडीशन वहाँ पर रखते हैं, चाहे लूपिंग स्टेटमेंट में हो, चाहे वो इफ एल्स में हो, स्विच केस में हो, जहाँ पर भी कंडीशन की बात आती है तो हमको रिलेशनल ऑपरेशन हमें दिखता ही दिखता है। जैसे प्लस प्लस, इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये रिलेशनल ऑपरेटर हैं सभी। फिर इसके बाद आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर लॉजिक गेट्स आप लोग पढ़े ही होंगे, लॉजिक गेट्स में वही होता है, एंड 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 गेट को शो करता है ये, और गेट को शो करता है ये, नॉट गेट को शो करता है। तो एंड ए और बी फॉल्स कब होंगे, या फिर ट्रू तभी होंगे जब दोनों क्या है, ट्रू है, बाकी सभी वैल्यू एंड की फॉल्स होती है दो वेरिएबल के लिए। अगर ए और बी दोनों क्या है, जीरो है, तो भी क्या है, हमारा जो ये एंड गेट है फॉल्स हो जाएगा। अगर जीरो और वन है तो भी फॉल्स हो जाएगा, वन जीरो है तो भी फॉल्स है, वन वन है तो भी ट्रू होता है। और गेट क्या है, एंड का उल्टा है, उल्टा